बहुत सारी बातें आप सबने टीवी पर और फोन में भी देखी है, उन चीजों का जिक्र नहीं करूंगा। कई बातें भाई अरविंद शर्मा जी ने कही है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के त्याग और तपस्या से बनेगी, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आओगी। तो प्रत्येक कार्यकर्ता का मान सम्मान करते हुए ये सरकार काम करेगी। ये हरियाणा प्रदेश नॉन स्टॉप हरियाणा, स्मार्ट हरियाणा और 21वीं सदी का हरियाणा जिनको बनाने का जो श्रेय जाता है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जाता है। आज जिस प्रकार से गोहाना में आके हम सबके मान सम्मान के लिए आए, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए आए, और जो कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है, जिस प्रकार से चुनाव आपने लड़ा है, ये चुनाव कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत का परिणाम है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये तीसरी बार सरकार बनी है और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो काम किया है। आज भगवान विश्वकर्मा का दिवस है और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश को नए भारत का निर्माण किया है, उसमें हरियाणा प्रदेश भी तेज गति के साथ आगे बढ़े। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम करेंगे और एक नए हरियाणा का निर्माण नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में होगा, इसी बात का मैं विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया। चुनाव के समय बहुत सारी बातें आपने सुनी है, बहुत सारी बातें आप सबने टीवी पर और फोन में भी देखी है, उन चीजों का जिक्र नहीं करूंगा। कई बातें भाई अरविंद शर्मा जी ने कही है, जो बात इन्होंने कही है उस पर अमल होगा और पार्टी की हर स्टेज पर होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में ये सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। ये सरकार कार्यकर्ताओं के बल पर चलेगी, कार्यकर्ताओं की बात पर चलेगी। चुनाव के समय में भी मैंने एक बात कही थी, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के त्याग और तपस्या से बनेगी, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आओगी। तो प्रत्येक कार्यकर्ता का मान सम्मान करते हुए ये सरकार काम करेगी और आने वाले समय में देखेंगे, जैसे ही सरकार का काम शुरू हुआ था 24,000 बच्चों को चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे डीएससी समाज को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लागू करने का काम किया, चाहे उसके बाद जो हॉस्पिटलों में इलाज की बात थी, डायलिसिस की सुविधा मुफ्त देने की बात हुई, या और जितनी भी हमारे संकल्प पत्र में जो बात कही है, उस संकल्प पत्र को अपना लक्ष्य मानते हुए सरकार पूरा करेगी और हरियाणा प्रदेश की जनताओं पर जो उम्मीद हरियाणा प्रदेश की जनताओं ने रखी है इस सरकार के प्रति, उन सबको पूरा करने का काम करेगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।